आज के इस खास वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। आइए मिलते हैं जंगल के इस सम्राट से। ऐसे तो विश्व के किसी भी जंगल में वहाँ राज बिल्ली परिवार के ही किसी सदस्य का होता है। जंगल में उनकी खौफ होती है। वे अपने शिकार करने के बेमिसाल तरीके से किसी भी जीव को कुछ ही मिनटों में मौत के घाट उतार देते हैं। यही कारण है कि जंगल में इसे सबसे क्रूर जानवरों में से एक माना गया है। शेर की सबसे पैनी नज़र होती है। वे बहुत ही ध्यानपूर्वक किसी जानवर का शिकार करते हैं। वे घात लगाकर किसी के पीछे बैठते हैं और हमला कर देते हैं। शेर जंगल का राजा है और इसे हर कोई जानता है। बिल्ली प्रजाति में शेर बाघों के बाद दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। दुनिया भर में शेरों की दो ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एशियाई शेर एसेटिक लायन और अफ्रीकी शेर अफ्रीकन लायन। वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा शेर अफ्रीका में पाया जाता है। भारत में एशियाई शेर, गुजरात में स्थित गिर नेशनल उद्यान यानी गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। लगभग 2000 साल पहले पृथ्वी पर 10 लाख से अधिक शेर पाए जाते थे। एशिया में पारंपरिक दवाएं बनाने के लिए शेर के हड्डियों का उपयोग किया जाता था, इसलिए कई शिकारी इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए इनका शिकार अधिक संख्या में करने लगे। समय के साथ साथ शिकार और जंगल के धीरे धीरे विलुप्त होने के कारण शेरों का अस्तित्व खतरे में आ गया। जहां 1940 के दशक में दुनिया में शेरों की संख्या 4 लाख से ऊपर थी, आज वह घटकर सिर्फ 35,000 से भी कम रह गई है। पहले अफ्रीका में शेरों की संख्या 2 लाख से अधिक थी, जो वर्तमान में 2022 में घटकर सिर्फ 23,000 रह गई है। नर शेर की गर्दन पर घने बाल होते हैं, जबकि शेरनी के गर्दन पर बाल नहीं होती। नर शेर के गर्दन पर जितने घने बाल होते हैं वह उतना ही बड़ा होता है। शेरनी 2 साल की उम्र में 2/3% तक वयस्क हो जाते हैं। नवजात शेर के बच्चे का वजन 1 kg से 2 kg के बीच हो सकता है। शेरों के समूह को प्राइड कहते हैं। शेर हमेशा 10 से 15 के झुंड में रहना पसंद करते हैं। नर शेर की लंबाई 8 फीट और वजन 500 पाउंड तक हो सकती है। शेर की दहाड़ करीब 8 किलोमीटर दूरी से भी सुना जा सकता है। नर शेर जंगल में 12 से 16 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि मादा 15 से 18 साल तक जीवित रहती है। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए भी जाने जाते हैं। शेर दिन में लगभग 20 घंटे तक सोते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 90% शिकार शेरनी करती है। शेर नहीं, शेरनी एक दिन में 5 किलो से ज़्यादा मांस खा सकती है, जबकि शेर 7 किलो से ज़्यादा मांस खाते हैं। गहरे रंग के शेर शेरनी को ज़्यादा पसंद आते हैं। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। क्या आप जानते हैं शेर पानी में भी तैर सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले शेरों की यह विशेषता है कि वे अपने शिकार को दफनाते हैं और बाद में भूख लगने पर उसे वापस खा लेते हैं। शेर एक दिन में 20 से 40 बार संभोग कर सकते हैं। शेरों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। शेर बिल्ली प्रजाति कैट फैमिली का एक ऐसा सदस्य है जिसकी रेशमी गुच्छेदार पूंछ होती है। शेर ज़्यादातर खुले घास के मैदान में ही रहना पसंद करते हैं। झुंड के 8 नर शेरों में केवल एक नर शेर ही युवा अवस्था तक जीवित रह पाता है। 8 नर शेरों में एक शेर के जीवित रहने का मुख्य कारण 2 साल के उम्र में ही उन्हें अपने झुंड से अलग कर दिया जाता है। नए क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए 3 या 4 नर शेर को समूह में रहना पड़ता है। नर शेर अक्सर अपना अधिकार जमाने के लिए प्रतिबंधी नर शेर सहित उनके बच्चे को भी मार डालते हैं। दुनिया भर में हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। शेरों की सबसे बड़ी आबादी अफ्रीका के तंजानिया में है। वर्ष 1972 में शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। एक स्वस्थ शेर का वजन 190 kg और शेरनी का वजन 130 kg तक होता है। एक स्वस्थ शेर का जीवन काल लगभग 17 से 20 साल के बीच होता है। शेर के पसंदीदा शिकार में हिरन, नीलगाय जैसे जानवर आते हैं। शेर मांसाहारी जानवरों में बहुत विशाल और ताकतवर जानवर हैं और एक बार शिकार को पकड़ने के बाद अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ते। शेर एक बार शिकार करने के बाद 20 से 21 घंटे तक दूसरा शिकार नहीं करते। शेर अंधेरे में इंसान से 6 गुना अच्छी तरह देख सकते हैं। एक मादा शेर लगभग 4 साल की उम्र के बाद प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शेर आखिर किस जानवर से डरता है, तो आपको हम बता दें कि शेर को हाथी से डर लगता है, क्योंकि जब हाथियों का झुंड शेर की ओर बढ़ता है
तो शेर वहाँ से सीधा खिसक जाते हैं। नर शेर अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं जबकि महिलाएं ज़्यादातर शिकार करती हैं। इसके बावजूद नर पहले खाते हैं। एक खास क्षेत्र में रहने वाले नर शेर के समूह दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए वहाँ के शेर के झुंड पर हमला करते हैं। इस युद्ध में किसी एक झुंड के सारे शेर को मारकर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ तक कि वे हारने वाले विपक्ष शेर के बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।